रांची के कांके थाना स्थित कांके बाजार में दिन दहाड़े जान से मार दिया गया और इसे एक्सीडेंट बोलकर केस क्लोज कर दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें हड्डी पसली टूटा हुआ था और जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ था उस बाइक में एक भी खरोच तक नहीं आया था। इसी शक को लेकर मृतक के परिवार वाले जांच करने की मांग की तो किसी ने सुना नहीं। रांची डीसी से लेकर डीजीपी तक आवेदन दिया लेकिन भी कुछ नहीं हुआ। वहां का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। इससे यह लग रहा है कि यह हत्या नहीं साजिश है। थक हार कर मृतक के परिवार वालों ने मीडिया का सहारा लेकर अपनी बातों को रखी। सुनिए, पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ आए मेरे पास मेरी बात सुनने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मेरा अहम मकसद ये है कि मेरे पिताजी की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है 30 जुलाई 2022 को शाम के 4:30 बजे कांके बाजार टाड़ में। जैसा कि लोगों का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, और मुझे भी जैसा लग रहा था कि ये रोड एक्सीडेंट है, परंतु जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें वो कहा गया कि 8 पसलियाँ टूटी गई हैं और उनकी बाइक में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो उससे हमें ये शक हो गया जाहिर कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि जो सोची समझ शादी के तहत उनकी हत्या की गई है, क्योंकि एक्सीडेंट के वहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे। इस विषय पर हमने 1 अगस्त 2022 को थाने में FIR दर्ज कराया अज्ञात वाहन के खिलाफ, अज्ञात चालक के खिलाफ, और हम वहाँ से फिर चले गए अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई 16 अगस्त को, तो फिर हम गए थाने में 22 अगस्त को आवेदन देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये रोड एक्सीडेंट है, लेकिन हमें तो लग नहीं रहा था, ना ही वो कोई जांच करना चाह रहे थे। और फिर हम गए SP साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि आप इसके जांच करिए। फिर हम गए उसके बाद उसी दिन 22 को हम गए SSP साहब के पास, किशोर कौशल जी के पास। उनको कहा कि हमारी बाइक का सीज़र नहीं हुआ, वहाँ पर किसी भी प्रकार का पूछताछ नहीं हुआ, कोई भी जाँच पहचान नहीं की गई। तो उन्होंने थाने को तुरंत फ़ोन कर कार्रवाई का आदेश दिया, परंतु इतने दिन बीतने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैंने DC को दिया, फिर हमने DIG को भी दिया, तो DIG ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर भी इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। हमारे IO को so-called नोटिस भी हो चुका है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इस मामले में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले की कोई पूरी निष्पक्ष जाँच हो, ताकि यह पता चले कि यह रोड एक्सीडेंट है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो दोषियों को पकड़ा जाए। अगर रोड एक्सीडेंट की बात कही जा रही है तो आपकी जो बाइक है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ था जैसा? हाँ बिल्कुल। तो बाइक में क्या नुकसान हुआ है? कोई भी नहीं, MBI रिपोर्ट के अनुसार उसमें कुछ नहीं डैमेज है। मतलब बाइक जैसी थी वैसी ही है। बाइक को मैं चला के घर लेके आया था, उसके बाद थाने ने कॉल करके बोला कि आप बाइक लेके आइए, SSP साहब ने बोला है बाइक जमा करनी है, तो मैं बाइक लेके गया। ये शाम के 4:30 बजे की घटना है। उस दिन बाजार का दिन था, कांके बाजार का दिन था, और जैसा बाइक एक्सीडेंट वैसा कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पर इतनी जाम रहती है सड़कों पे वहाँ पर उस दिन। ये तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था, परंतु मैं ये बता नहीं सकता, मुझे तो वो कुछ बोल के नहीं गए थे कि मैं इस काम से निकला हूँ। क्या करते थे आपके पिता? वो ज़मीन का काम ज़्यादा करते थे। तो आपको अभी शंका क्या लग रही है? मुझे शंका है कि ज़मीनी के चक्कर में उनकी हत्या की गई है, क्योंकि उनके पास उस दिन पैसे भी थे और ज़मीन के कागजात भी थे जो कि घटना के बाद से गायब हुए। पैसे और कागजात दोनों गए? बिल्कुल बिल्कुल। कितने पैसे? 15,000 के आसपास थे, माँ ने उन्हें सुबह ही दिए थे। फुटेज आपने निकलवाया? CCTV फुटेज के लिए हमने आवेदन तो डाला, पर उनका कहना था कि फुटेज डिलीट हो गई है। रिंग पास से हमने जाके फुटेज के लिए मांग की थी, हमारे IO का यही कहना था, परंतु वो ऑटो डिलीट हो गया, उनका यही कहना है। उनका एक्सीडेंट हुआ इस बात की जानकारी आपको किसने दी? ये मेरे पिता के दोस्त मुकेश दिनोडिया ने दी मुझे फ़ोन करके। और वो मेरे पिता पहले रांची केबल्स में काम किया करते थे अपर बाजार में, तो उनके कलीग हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि फादर को कॉल करिए, देखिए कुछ हुआ है क्या। तो मैंने फादर के फ़ोन पे कॉल किया, तो CRPF वाले ने फ़ोन उठाया, बोला कि मैं CRPF वाला हूँ, फादर आपके कांके जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप आ जाइए। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने बताया कि मैंने तो होते हुए नहीं देखा एक्सीडेंट, परंतु लोगों का कह रहा है कि बाइक वाला मार के चला गया, लेकिन जैसा चोट लगा है, 8 पसलियाँ टूटी, उनकी माथे में 2 फ्रैक्चर हैं, लेकिन कोई भी खरोच निशान वैसा नहीं है कि जो नॉर्मल एक्सीडेंट में होने चाहिए, जो कि सिद्ध करे कि एक एक्सीडेंट है। आपके पिताजी के जो फ्रेंड है मनोज जी, मुकेश, उनको कैसे जानकारी मिली, ये उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि अनजान नंबर से कॉल आया था कि क्या तुम मनोज को जानते हो, तो उन्होंने बोला, पहले तो कॉल काट दिया, फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया कि आप क्या मनोज को जानते हो, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, तब जाके उन्होंने मुझे कॉल किया। लेकिन वो जो जिसने कॉल किया था
उसकी तक अभी तक जानकारी अभी पुलिस ने हासिल नहीं कर रखी है कि वो कौन है और कैसे उसे पता चला। तो मुकेश जी के पास जिसका कॉल आया था वो नंबर वो उन्होंने डिलीट कर दिया ये बोल के कि बच्चे मोबाइल में खेलते हैं अननोन नंबर से कॉल लग जाता है, तो ये बोल के वो डिलीट कर दिया। परंतु मुकेश जी को थाने बुलाया गया था पूछने के लिए क्या हुआ, तो वहाँ उन्होंने ये सारी बातें बताई और बोला कि आप CDR निकलवाइए, आप चेक कर लीजिए क्या है कौन है, अब मैं तो नहीं बता पाऊँगा और डिलीट हो चुका है मेरा नंबर। तो इस पे हमारे इंस्पेक्टर साहब ने IU को बोला कि इसका CDR निकाला जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। मुकेश जी पर कोई शक आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी से विवाद चल रहा था जमीन संबंधी? हमारे गांव में चल रहा था, एक है मजीद बोल के उस जमीन पर मुझे पता नहीं उसी पे है कि नहीं, क्योंकि हमारे दो तीन और विवाद चल रहे थे अपने खुद को जमीन को लेके। तो ये मैं तो स्पष्ट नहीं कर सकता कि मैं किसी को आरोपी भी नहीं ठहराना चाह रहा हूँ, पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये पता चले कि ये एक्सीडेंट है भी कि नहीं। अगर बाजार वाला दिन था, भीड़ भाड़ थी, पर एक्सीडेंट हुआ होता तो कोई चश्मदीद सामने आया? किसी ने नहीं देखा है। CCTV फुटेज भी नहीं है। वहाँ पर एक दुकान थी यूनिट ट्रेडिंग नाम करके, तो हमने वहाँ जाके जाँच की, तो उनका कहना है कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं। आपका पापा जो है अपने जमीन का खरीद बिक्री करते थे कि दूसरे का? वो दूसरे का ही करते थे, एग्रीमेंट के बेसिस पे करके काम करते थे। कितने समय से काम कर रहे थे? ये आपके 90s से ही कर रहे हैं। आपकी माता जी? अभी तो ये हाउसवाइफ ही है, पहले टेलर शॉप था इनका और ब्यूटी पार्लर। आप बताइए, आपको? हमको तो लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। मर्डर के शंका जो है वो जमीन जमीन को लेके ही हुआ है। इससे पहले भी कोई ऐसी घटना होने की संभावना क्या हुई है? नहीं, हुई तो नहीं है कभी, बात भी बात कभी वो बताते नहीं थे। कोई धमकी वगैरह? नहीं नहीं, वो बात ही नहीं वैसा बताते थे, वो अपनी बातें अपने तक ही रखते थे, वो काम के लेके काम और फैमिली तो फैमिली, वैसे डिस्क्लोजर नहीं करते थे वो सारी बातों को। एक्सीडेंट की तारीख क्या है? 30 जुलाई 2022 शाम के 4:30 से 5 के बीच। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।